हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस वीडियो। गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा कि हम अपने सिस्टम की रैम इंक्रीज करने वाले विदाउट बाइंग इट, तो सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो गाइस, ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि हम यहाँ पे अपने सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है उसमें से एक पर्टिकुलर स्पेस अपनी रैम के लिए अवेलेबल कर देंगे कि जहां पर भी रैम को ये लगेगा कि भाई हमारे रैम पर वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है तो वो उस हार्ड डिस्क के पर्टिकुलर स्पेस को कंज्यूम करके आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस की रुकावट को दूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका सिस्टम स्मूथली वर्क करेगा, स्पीडली वर्क करेगा। तो कैसे होगा ये टास्क, अब बात आती है ये। तो गाइस, ये टास्क परफॉर्म होता है पेज फाइल की हेल्प से, यानी कि वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से। यहां पर आपके सिस्टम का एक फीचर होता है, विंडोज का एक फीचर होता है जिसमें रैम पेज फाइल जनरेट करती है, वर्चुअल मेमोरी जनरेट करती है, जिसका काम होता है जब भी रैम पे वर्कलोड ज्यादा हो जाए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपकी जो रैम है सिस्टम की वो 4GB रैम है, तो 4GB का डेटा आपकी रैम प्रोसेस कर रही है। अब सपोज कुछ टास्क ऐसा भी होता है जिसे आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और करंटली आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो रैम क्या करती है आपके उस टास्क को पेज फाइल में शिफ्ट कर देती है। और जब भी आपकी रैम को जरूरत होती है, यानी कि आप उस एप्लीकेशन को वापस से रन करते हैं जिसे आप करंटली यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में यूज करते हैं, जब भी आप उसको रन करते हैं तो रैम तुरंत पेज फाइल से उस टास्क को फेच करती है और स्पीडली आपको प्रोवाइड करती है जिसको आप यूज कर पाते हैं। अगर वही टास्क बार बार हार्ड डिस्क से मैनेज करना पड़े तो प्रोसेसिंग स्पीड घट जाती है या प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम स्लो हो रहा है। तो पेज फाइल को मैनेज करना हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिसे हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी रैम को इंक्रीज कर लेंगे। तो गाइस, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपके सिस्टम में रैम कितनी है, 2GB है, 4GB है, 6GB है, 8GB है, 16GB है। ये जो टास्क है मेनली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो जिनके पास रैम कम है, 2GB है, 4GB है, 8GB है, ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिस्टम लैग कर रहा है, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि कुछ और भी ट्वीक्स हमने आपके लिए बना रखे हैं, रैम की कैशेस को क्लियर करना, पेन ड्राइव को एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज करना, यहाँ पे आज हम हार्ड डिस्क को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो हमने आपको ऑप्शन बताया, आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाके आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सिस्टम की जो रैम है 16GB है। यहाँ पर हालांकि मेरे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे पेज फाइल की जो मेमोरी है उनको बढ़ाऊं, यानी कि हार्ड डिस्क का वो स्पेस बढ़ाऊं जिससे रैम यूज कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास यही रैम 2GB 4GB है तो आप इसको डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी जो चीज आपको जानने की जरूरत है वो आपका हार्ड डिस्क स्पेस, खास तौर से उस ड्राइव में जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है। हालांकि आप हर ड्राइव के लिए एक पेज फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, जिससे कि रैम उस पर्टिकुलर ड्राइव से जो डेटा फेच करे वो यहाँ पर रुकावट पैदा ना करे। सी ड्राइव में हम इसलिए पेज फाइल क्रिएट करते हैं क्योंकि मेनली जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो हमारे सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं, यानी कि जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल होती है उस ड्राइव में इंस्टॉल्ड होते हैं, इसलिए मेनली उस ड्राइव में हमें पेज फाइल करने की नीड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो सी ड्राइव है उसमें 18.8GB ही फ्री है, डी ड्राइव में 32GB फ्री है, ई ड्राइव में 63GB फ्री है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी रैम सपोज 2GB है तो एटलीस्ट आप अपनी विंडोज ड्राइव में उसके लिए कम से कम 10GB आप स्पेस फ्री रखें, यानी कि लगभग 5 गुना, क्योंकि यहाँ पर पेज फाइल को अगर आप एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो लगभग आपको अपनी रैम का 3 गुना साइज फ्री रखना चाहिए, ठीक है। कैसे वो भी आपको समझ में जाएगा। अगर आपकी 4GB पेन ड्राइव है तो लगभग आप 16GB 20GB के समथिंग आप फ्री रखिए, जिससे कि आपका सिस्टम स्मूथली वर्क कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो सिनेरियो है वो आपके सामने है, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज क्रिएट करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं जो रिकमेंडेड जो आपको पेज फाइल क्रिएट करनी है वो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए पेज फाइल को मैनेज करने के लिए हम चलते हैं विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पे आप एक कमांड लिखेंगे sysdm.cpl, ठीक है, sysdm.cpl लिखेंगे, यानी कि सिस्टम प्रॉपर्टीज की कमांड है। ओके बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन हो गई है। ऊपर कुछ टैब्स आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एडवांस टैब में आपको जाना है। एडवांस टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 3 सेक्शन आ रहे हैं, परफॉर्मेंस, यूजर प्रोफाइल, स्टार्टअप एंड रिकवरी। आपको जाना है परफॉर्मेंस में, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद परफॉर्मेंस ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे, ऊपर फिर से 3 टैब आ रहे हैं, विजुअल इफेक्ट्स, एडवांस्ड डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। तो आपको जाना है फिर से एडवांस्ड में, और एडवांस्ड में जाने के बाद फिर से 2 सेक्शन आ रहे हैं,
प्रोसेसर स्केडलिंग और वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके सिस्टम की जो वर्चुअल मेमोरी होती है, जो पेज फाइल्स होती है, उनको आपका सिस्टम मैनेज करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जो कि बहुत कम मेमोरी में आपका सिस्टम मैनेज करता है। तो आप अगर उसको मैनेज कर लेते हैं प्रॉपरली, तो आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंक्रीज होता देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल मेमोरी में क्या लिखा हुआ, आप ध्यान से पढ़िए। अ पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क। पेजिंग फाइल एक एरिया है आपके हार्ड डिस्क पे दैट विंडोज यूजेस एज इफ इट वर रैम, जिसे विंडोज यूज करती है अगर ये रैम होती। तो यानी कि हम अपने हार्ड डिस्क पे एक स्पेस असाइन करने वाले हैं यहाँ पे, जिसे विंडोज एज रैम यूज करेगी जब भी रैम पे वर्कलोड ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेंज पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे टास्क यहाँ पे परफॉर्म होगा। वर्चुअल मेमोरी ओपन हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल फॉर ऑल ड्राइव्स, यानी कि अभी यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है। और कैसे मैनेज कर रहा है, क्या मैनेज कर रहा है, हमें ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, जितना भी रिकमेंडेड आप देखते हैं इतना आ रहा है, करंटली एलोकेटेड इतना आ रहा है, यानी कि 2 GB के समथिंग यहाँ पे मैनेज कर रहा है, जबकि इतना साइज 16 GB रैम के लिए बहुत कम है। तो यहाँ पे हम इसको तो अनचेक कर देंगे, क्योंकि अनचेक करेंगे तभी हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जितनी ड्राइव्स हैं वो आ रही हैं यहाँ पे CDE। तो सबसे पहले हम सी की ही बात करते हैं, क्योंकि सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है सी में हमारे इंस्टॉल होते हैं और सी से ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि सी में अगर हमारा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है और हम उसको रन कर रहे हैं तो वो सी से ही रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी को मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सी पे सिस्टम मैनेज लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम मैनेज साइज यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करना है, तो सिस्टम मैनेज साइज यहाँ पे हट जाएगा आपका। अब आप देखिए यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे आ रही है, इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज। तो इनिशियल साइज जो होगा आपकी रैम का लगभग 1.5 गुना साइज होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आप अगर एक पेज फाइल यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इतना सफिशियंट स्पेस लेके चलिए, जिससे कि आपकी रैम पर कितना भी लोड आ जाए तो वो सारा डेटा पेज फाइल में शिफ्ट कर दे और आपके सिस्टम की स्मूथनेस पे इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे आपको लगभग 1.5 गुना साइज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अब आप 1.5 गुना साइज कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ। यहाँ पे नोटपैड में चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सपोज आपके सिस्टम में रैम है 4 GB, मैं एग्जांपल के तौर पे 4 GB लेके चल रहा हूँ और 4 GB के साथ ही यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। 4 GB आपका यहाँ पे रैम साइज है, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है MB में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से। हम सभी जानते हैं 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो साइज है वो MB में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें MB में यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इनिशियल साइज जो है वो आपको 1.5 गुना लिखना है, तो आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, यानी कि आपको इनिशियल साइज में, अगर आपकी रैम 4 GB है तो यहाँ पे आपको इनिशियल साइज में ये कैलकुलेट करके लिखना है। अगर आपके पास 2 GB है तो आप ये कैलकुलेट करके लिखेंगे, यानी कि 2 GB में यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। ठीक है, सेम आपको मैक्सिमम साइज में क्या करना है, मैक्सिमम साइज में सपोज आपके पास 2 GB है, मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, और इसको आपको मैक्सिमम साइज में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि मैक्सिमम साइज होगा आपकी रैम का 3 गुना। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास 2 GB रैम है तो लगभग 6 GB आपके सिस्टम में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, 6 GB से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 6 GB आप पेज फाइल ऑक्यूपाई करने वाली है मैक्सिमम। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर ओपन किया, सपोज 4 GB मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाई करा मैंने 1024 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आया जो कि MB में रिजल्ट हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 1.5 गुना से, तो 1.5 गुना करके मेरे पास ये आया, लगभग 6 GB की समथिंग आया, तो 6144 इनिशियल साइज में आप एंटर करेंगे। देन यहाँ पे मैक्सिमम जो साइज है उसे कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए सपोज 4 GB आपकी रैम हमने लेके चले हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1024 से MB में कन्वर्ट करने के लिए, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे 12288 यहाँ पे आ गया, 12288, यानी कि अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो लगभग आपके सिस्टम में 20 GB स्पेस होना चाहिए, क्योंकि 12 GB के समथिंग आपका पेज फाइल यूज करने वाली है आपके सिस्टम की रैम। आप कम भी कर सकते हैं,
आप कम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज करके कम भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है, तो मैं यहाँ पे आपको कम परफॉर्म करके बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए आप अपनी रैम साइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास साइज अवेलेबल नहीं है, ना ही मुझे जरूरत है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कस्टमाइज साइज बता। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इनिशियल साइज में आपको क्या करना है और मैक्सिमम साइज में क्या करना है। इसको करने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज आया, द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर यू टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर दे कैन टेक इफेक्ट। ओके कर देंगे, देन ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सिस्टम की जो पेज फाइल है वो यहाँ पे असाइन हो गई है। देन आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है। देन आप देखेंगे कि आपके जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसमें पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे गाइज इसको मैं रीस्टार्ट लेटर कर देता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा टास्क परफॉर्म करने के बाद आपके सी ड्राइव में एक फाइल जरूर आप देख सकते हैं, पेज फाइल डॉट सिस के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जिसको देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि वो आपके रैम के द्वारा बनाई गई पेज फाइल है। तो गाइज ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी थी अगर आपके पास रैम साइज कम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।